नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। शासन के निर्देश अनुसार किसानों की उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए बनाए गए खरीद केंद्रों पर 15 अप्रैल से शुरू हुई खरीदी की व्यवस्था को देखने के लिए गुरुवार को कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और एसपी नवनीत बसीन खरीद केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे। बुधवार इस दौरान कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि केंद्र पर आने वाले किसानों के लिए शीतल पेयजल और छांव व्यवस्था प्रमुखता के साथ की जाए, साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। निरीक्षण एसडीएम के सिंह और एसडीओपी शैलेंद्र सिंह जादौन, तहसीलदार कुलदीप दुबे, नायब तहसीलदार कमर सिंह कोरी, थाना प्रभारी के डी सिंह कुशवाहा, कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी निशांत पांडे उपस्थित थे। भितरवास से संवाददाता कमल साहू की रिपोर्ट। सर, बैंकों के बाहर अधिकतर देखा जा रहा है लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करें। बैंकों के लिए हमने निर्देश दिए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सीसी जो हमारे ग्राहक सेवा केंद्र हैं, उनको भी हम लोगों ने 300 ग्राहक सेवा केंद्रों के माध्यम से वितरण की व्यवस्था की हुई है। सभी से हमारी अपील है कि धैर्य बनाए रखें, 3 मीटर की दूरी पर खड़े हों। सभी लोगों को राशि मिल जाएगी। एमपी ऑनलाइन कियोस्क से भी राशि मिल रही है, तो पर्याप्त जगह मौजूद है जहाँ से जनधन और वृद्धावस्था की राशि मिल रही है। फिर से सबको बताना चाहता हूँ, ये राशि वापस नहीं जाएगी। आपकी आवश्यकता हो तभी राशि निकालें। सर, आपका जो सर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो पुलिस की तरफ से कोई अब तक विशेष जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया? जैसे ग्वालियर में कोरोना हेलमेट चलाए जा रहे हैं, कई तरह की ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही है, सर ग्रामीण क्यों पीछे है? बताया हमको, आपकी भी बात उनसे होती है डेली, कभी व्हाट्सएप करके फोन करके बताते हैं कि ये चीज यहाँ भी अप्लाई करनी चाहिए। अभी शहर में लगातार हमारा काम चल रहा था, उसके पश्चात यहाँ भी अपनी टीम एक बार हम भेजेंगे। सर, लगता है कहीं ना कहीं ग्रामीण में जागरूकता की लोगों में कमी है, यहाँ जागरूक करने की? जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमारी टीम यहाँ भी हम राउंड लगाने भेजेंगे, और इसके अलावा आप लोग भी सहयोग कर रहे हैं, थोड़ा सहयोग और बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया का प्रयोग कम करते हैं लोग, स्मार्टफोन कम रहते हैं, तो यहाँ जो भी चीज़ें विजिबल होगी तभी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। मात्र अभी हमने कुछ गाड़ियाँ बनाई थी जो आप हेलमेट वाली बात कर रहे हैं, और शहर में इतनी गली और मोहल्लों में उनका लगातार प्रयोग किया जा रहा है कि वहाँ लगातार वो बिजी थे। अब आपने बताया तो यहाँ भी इसको हम अवश्य प्रयोग करेंगे। सर, जिले भर में आपके पुलिसकर्मी पॉइंटों पर काम कर रहे हैं, चौराहों पर तैनात हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कोरोना प्रोटेक्शन कहीं नजर नहीं आता। किसी के पास संसाधन नहीं है, मास्क नहीं है, तो क्या स्वास्थ्य विभाग ने उपलब्ध नहीं कराए हैं या पुलिस प्रशासन व्यवस्था नहीं कर पाया?